जनता इंटर कॉलेज में विद्या ज्ञान प्रतियोगिता हुई है, परीक्षा हुई है, इसमें कितने बच्चे सम्मिलित हुए हैं? सुबह की पाली में 365 बच्चियां, सुबह पाली में थी लड़कियां सब, शाम की पाली पर लड़के परीक्षा दे रहे हैं। 365 पंजीकृत संख्या थी, 143 उपस्थित हुए, 222 अनुपस्थित छात्र रहे। शाम की पाली में 314 में 150 लड़के परीक्षा दे रहे हैं, 164 अनुपस्थित हैं। संख्या कम होने का कारण हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा से बच्चों के पास सूचना का अभाव है। बेसिक शिक्षा इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मेरे हिसाब से, बच्चों को प्रॉपर सूचना नहीं है, इसलिए कम है। दूसरा, समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार 2 दिन निकलना चाहिए कि परीक्षा कब है। अगर समाचार पत्र और टीवी चैनल के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हो जाए तो हमें ये लगता है कि छात्र संख्या ज़्यादा होती, तो आगे अगर इस तरह का ध्यान रखा जाएगा तो छात्र संख्या बढ़ेगी। बहुत अच्छी परीक्षा है, HCL इसको संपादित कराती है, तो इसमें चयनित छात्र को पढ़ाई का पूरा खर्चा HCL द्वारा दिया जाता है। जब तक उसका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक सारी पढ़ाई, ऐसे ही तो बहुत सारी पढ़ाई उनके द्वारा की जाती है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी परीक्षा है इसमें। और गरीब छात्रों के सबसे बड़ी बात ये है कि निर्धन छात्रों के लिए परीक्षा है, पढ़ाई की जो फ्री की व्यवस्था है केवल निर्धन छात्रों की है। जिनकी आय गार्डियन की 1,00,000 रुपया से कम है या 1,00,000 तक है, वो उन्हीं के छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो बहुत ये अच्छा कार्य हो रहा है, तो इसका प्रचार प्रसार जितना ज्यादा हो तो उससे लोग लाभान्वित होंगे। विद्या ज्ञान परीक्षा में प्रचार प्रसार का अभाव रहता है। अगर समाचार पत्रों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, BRC BSA के माध्यम से छात्र छात्राओं की इसको इसकी सूचना पूर्व से कराई जाए तो इसमें अधिकतम छात्र सम्मिलित हो सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें चूंकि गांव गली के बच्चे हैं, इनको ना तो सूचना मिलती है, इनके अभिभावक बगैर पढ़े लिखे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है प्रवेश पत्र मिला कब तारीख है, क्या लगना है, तो उनको पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए विद्यालय स्तर से बालक बालिकाओं को अगर इसकी जानकारी दी जाए तो इसमें ज्यादा से ज्यादा छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। अच्छी बात है, ये योजना इसलिए है कि जो गांव गली के गरीब बच्चे हैं, वो जिनकी आय 1,00,000 रुपया इससे कम, उनके बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं, और जो बच्चे इसमें प्रतिभाग करके सफल हो जाते हैं उनके सपने पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि वो इतने ऊंची पोस्ट तक पहुंच सके। तो ये कौन सा फाउंडेशन? सेव नादर फाउंडेशन के माध्यम से इन गांव गली के बच्चों के लिए योजना चलाई जा रही है, जिससे बच्चे, गांव गली के बच्चे, गरीबों के बच्चे वहां तक पहुंच सके। इसलिए मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा के माध्यम से गांव गली तक इसका प्रचार प्रसार हो, अधिकतम बच्चे लाभान्वित हो, तभी इनका सफल